हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में एक खास फॉर्मूला सीखेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम है ज्वाइन। तो ज्वाइन फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पर गूगल शीट ओपन है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जितने एरिया में आपको बॉर्डर बनाना हो उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो ये बॉर्डर लग जाएगा। अगर कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के बॉर्डर का कलर भी आप बदल सकते हैं। देखिए ये रेड कलर में हो गया है, ठीक है। ये तो बात रही कलर बदलने की, अब हमें यूज करना है यहाँ ज्वाइन फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ ज्वाइन फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे ज्वाइन, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन में पहले ही बता चुका हूँ, अब ये ज्वाइन फॉर्मूला है। चलिए इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके और प्रेस कर देते हैं एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आएगी नॉट एप्लीकेबल वैल्यू। अब ये नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सेपरेटर का यूज नहीं किया। तो यहाँ पे वापस से लगा देते हैं ज्वाइन फॉर्मूला, ये लगा दिया ज्वाइन फॉर्मूला। और ज्वाइन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, पहले सेपरेटर लगाएंगे तो ये कॉमा जो है सेपरेटर का काम करेगा आपका, ये डबल डॉटेड कॉमा, ठीक है। तो ये डबल डॉटेड कॉमा कर दिया हमने और बाकी तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, एक साथ आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, देखेंगे कि रिजल्ट कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई और नाम हो, लाइक यहां पर मैं लिख देता हूं राम कुमार शर्मा, ठीक है। तो ये एक और नाम मैंने लिख दिया है और अब इसमें हम यूज करेंगे, नीचे ड्रैग करवा देता हूं तो आप देखेंगे कि इसको भी ये कंबाइन करके हमें दे दे रहा है, ठीक है। अब इसी में एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं, ये देखिए ये वो फीचर है जिसे हम पेंट फॉर्मेट कहते हैं। इसे आप एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर के नाम से जानते हैं, जो कि यहां पर पेंट फॉर्मेट के नाम से आया हुआ है। तो पेंट फॉर्मेट पर अब मान लीजिए इतना हिस्सा पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मेट हमें लगाना है, सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो फॉर्मेट है वो इस हिस्से पे हमें चाहिए, इस पे रख दीजिए, बस इस पे चला दीजिए कर्सर को, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए रेड कलर में था, रेड कलर में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। आप अपने सवाल डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जवाब जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो 9616353345 इस पर आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाली दिक्कत है, ठीक है, एक्सेल वाली दिक्कत है, गूगल शीट में दिक्कत है, इसके अलावा सी में दिक्कत है, C++ जावा में दिक्कत है, ठीक है, या फिर SQL में दिक्कत है, या फिर SQL सर्वर में दिक्कत है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो इन सारे पार्ट से आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा HTML की क्लासेस भी चला रहा हूं तो HTML में भी दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हैं। JavaScript भी पढ़ाता हूं तो JavaScript से भी सवाल आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।